जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस सेंटर में। बिहार दरोगा मेंस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो मित्र नहीं देखे हैं, वे प्लेलिस्ट से जाकर उसे भी देख लें, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो, उसे कहते हैं। ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास तथा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है जलज, पुरुष, सिंह, लता देह तथा हस्तलिखित। तो इसमें जो है हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन कौन शब्द जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है वन, अरिनी, विपिन तथा दावा। तो इसमें जो है अरिनी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अरिनी जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अलभ्य का विलोम है। ऑप्शन है सुगम, सहज, सरल तथा सुलभ। तो इसमें जो है सुलभ अलभ्य का विलोम शब्द है। यहाँ पे अलभ्य का विलोम शब्द चुनना है। तो इसमें सुलभ जो है ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन है भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ तथा विज्ञ। तो अनभिज्ञ का भिज्ञ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन है चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेप तथा द्विरद। तो इसमें द्विरद जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हवा, अनिल, ऑप्शन है अनिल, अनल, अनंग तथा अनु। तो हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है पावक, अनल, अनिल तथा वहीन। तो इसमें जो है अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, अग्नि का नहीं। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम शब्द। ऑप्शन है आम्ल, तीक्ष्ण, क्षरित तथा कटु। तो इसमें मधुर का जो है कटु ऑप्शन चार सही उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पे कटु मधुर का विलोम है, कटु इसका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पन ही का तत्सम रूप है। यहाँ पे पन ही हो जाएगा। ऑप्शन है तांबुल, पर्ण, प्रणाही तथा उपानह। तो पन ही का तत्सम रूप उपानह ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इन दिनों बहुत सुर्खियों में बन गया है कोरोना वायरस। सार्स CoV-2 के कारण COVID-19 जैसी महामारी पूरी दुनिया में मची है। तो साथियों, इन वायरस के कारण से बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार प्रिंस चार्ल्स को कोरोना पॉजिटिव के चपेट में आ गए हैं, और बोरिस जॉनसन को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो दोस्तों, काफ़ी सतर्क रहना है, क्योंकि बोरिस जॉनसन को ब्रिक्स एग्जिट के नेता के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटेन ने दुनिया से हट के एक कंसेप्ट की बात कही कि हम हर्ड इम्यूनिटी अपनाएंगे और झुंड में रहेंगे। उन्होंने अपने लोगों को झुंड में रहने को कहा और हर्ड इम्यूनिटी अपनाया, जिसका सकारात्मक रूप है कि झुंड में रहने से अपने आप एक इम्यूनिटी विकसित होगी, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उनका कहना था कि यदि वायरस यदि 10-50 व्यक्तियों के बीच आया किसी एक व्यक्ति को संक्रमित किया, तो हमारी इम्यूनिटी जो है, जो विकसित हुई है, उस व्यक्ति का इम्यूनिटी का कार्य करेगा। और वे हर्ड इम्यूनिटी अपनाए हुए थे, जो वे लोग झुंड में रह रहे थे, जो झुंड उन्हें ही ले बैठा, इन्हें आज कोरोना हो गया है। तो दोस्तों, झुंड में न रहें
दोस्तों झुंड में ना रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अपील है, अपील मानते हुए सख्त प्रयास करना है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही सेफ रहें, अपने घर में ही पढ़ाई करें तथा अपने पढ़े हुए पहले पढ़े हुए को रिवीजन करें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, पोखर का तत्सम है। ऑप्शन है पुष्कर, प्रखर, पोषक तथा प्रकर। तो पोखर का तत्सम पुष्कर ऑप्शन ए किसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दाहिना का तत्सम है। ऑप्शन है दक्षिण, दक्षिण, दाहिना तथा दाया। तो इसमें जो है दाहिना का तत्सम दक्षिण ऑप्शन ए किसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव है। ऑप्शन है हाथ, हाथी, हस्तिनी तथा हथियार। तो हस्त का तद्भव जो है हाथ, ऑप्शन ए किसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न विलोम में कौन युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बुध, मुक्त तथा नूतन सनातन। तो इसमें जो है नूतन सनातन युग्म जो है सही नहीं है। ऑप्शन चार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम है। ऑप्शन है समापन, इतिश्री, अंत तथा अर्थ। तो इसका जो है श्री गणेश का विलोम इतिश्री ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निंदा का विलोम शब्द। ऑप्शन है संस्तुति, स्तुति, संवेदना तथा अस्तवन। तो इसमें जो है निंदा का विलोम हो जाएगा अस्तुति ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। ऑप्शन है घट, घरा, राख, रक्षा, धन्य, धनिया तथा ऑप्शन चार है आतिबरी। तो इसमें जो है तत्सम से तद्भव बने सही युग्म हो जाएगा घट, घरा। ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है, घट, घरा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है। ऑप्शन है चर्म, यहाँ पे चर्म हो जाएगा चर्म, धर्म, पर्म तथा विष्णु। चर्म यहाँ पे चाम होगा, यहाँ पे चाम। तो यहाँ पे इसमें जो है तद्भव शब्द चाम हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन तद्भव शब्द है। विहग, खग, पक्षी तथा पंक्षी। तो यहाँ पे पंक्षी ऑप्शन चार इसमें तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ईशान, नैऋत्य, वायव्य तथा आग्नेय। तो इसमें जो है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसे आशा नहीं की गई हो उसके लिए सही शब्द चुनना है। ऑप्शन है ना उम्मीद, आशातीत, अग्रसोची तथा अप्रत्याशित। तो इसमें जो है अप्रत्याशित ऑप्शन चार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपकृत शब्द के लिए सही शब्द चुनना है। ऑप्शन है जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो तथा जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन चार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है अवरचिन्ह, युगांतर, युगांत तथा सनातन। तो इसमें हो जाएगा युगों से चले आने वाले के लिए सनातन ऑप्शन चार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए के लिए तत्सम शब्द है। यहाँ पे बुढ़ापा हो जाएगा ऑप्शन है निर्जर, निर्जर, अजर तथा अमर। तो इसमें हो जाएगा अजर ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोगों में प्रचलित सुनाई बात को क्या कहते हैं। ऑप्शन है किंवदंती, अलौकिक, पौराणिक तथा अप्रामाणिक। तो इसमें किंवदंती ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में
निर्मम शब्द समाहित है। ऑप्शन है क्रूर हृदय वाला, मंत्र शून्य हृदय वाला, संवेदन शून्य व्यक्ति, दया रहित व्यक्ति। तो इसमें जो है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति इसका निर्मम हो जाएगा, इसका निर्मम के लिए सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन दो इसका। ममता शून्य, यहाँ पे मंत शून्य के स्थान पे ममता शून्य हो जाएगा ऑप्शन दो इसका, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है विलोम चुने, नियम विरुद्ध कार्य करना। ऑप्शन है सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छुपाना तथा 9 2 11 हो जाना। तो इसमें नियम के विरुद्ध कार्य करना का विलोम हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना, ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है उल्टी गंगा बहाना। अगला प्रश्न है कलम तोड़ना, ऑप्शन है सही लिखना, इच्छा अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना तथा बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसमें हो जाएगा कलम तोड़ना का अच्छा लिखना ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ढाक के 3 पात होना, ऑप्शन है अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना तथा कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। तो इसमें हो जाएगा कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना ऑप्शन चार इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगला अगला प्रश्न है अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है सूर्य, प्रकाश, किरण, आंख का पेड़ तथा ज्वाला। तो इसमें जो है आंख का अनेकार्थी शब्द आंख का पेड़ नहीं होना ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पत्र का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन है पता, चिट्ठी, कागज तथा पुष्प। तो इसमें जो है पुष्प इसका नहीं होगा ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है फल का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन है परिणाम, हल्का, प्रभाव तथा रसयुक्त। तो इसमें जो है हल्का ऑप्शन दो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा क्या है, दूसरा शब्द क्या है। ऑप्शन है पानी, जीने का ढंग, वायु तथा प्राणी। तो इसमें जो हो जाएगा पानी, जीवन का एक अर्थ जिंदगी तथा दूसरा पानी ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन है बादल, घना, घनिष्ठ तथा हथौड़ा। तो इसमें जो है घनिष्ठ, यहाँ पे घ हो जाए घनिष्ठ ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है, घनिष्ठ इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है रस, रस का अनेकार्थी शब्द यहाँ पे रस हो जाएगा ऑप्शन है रूप, स्वाद, पानी तथा पारा। तो रस का अनेकार्थी शब्द पारा, रूप जो है ऑप्शन एक इसका रूप नहीं है तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन है श्रेष्ठ, वरदान, पति तथा सुवर्ण। तो इसमें जो है सुवर्ण हो जाएगा ऑप्शन चार इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सहज कार्य, अनुसांगिक, अनुकार्य तथा अनुतोष। तो इसमें हो जाए इसका तो इसका सही उत्तर अनुसांगिक हो जाएगा ऑप्शन दो इसका सही उत्तर। जिस साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसे अनुसांगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है भोजन करने के बाद बचा हुआ भोजन ऑप्शन है को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है अवशेष, ध्वंसाशेष तथा उच्छिष्ट तथा विशिष्ट। तो इसमें हो जाएगा भोजन करने के बाद बचा हुआ भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं ऑप्शन दो इसका, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है धर्म पुत्र, औरस, बलशाली तथा तेजस्वी। तो इसे जो है औरस कहते हैं ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो बुध होने के कारण जो
जो बूढ़ा होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दुर्बल, जरा जीर्ण, छिनकाए तथा कोई नहीं। यहाँ पे बूढ़ा हो जाएगा तो उसे जो है, जरा जीर्ण कहते हैं। ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गरीबों के प्रति डैश होना चाहिए। ऑप्शन है रोज, कठोरता, आहिरीदता तथा उदारता। तो इसमें हृदय, गरीबों के प्रति जो है सहृदयता, यहाँ पे सहृदय हो जाएगा। ऑप्शन तीन के जगह पे यहाँ पे सहृदय, सहृदय ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश पदार्थों का सेवन से शरीर कमजोर पड़ जाता है। ऑप्शन है सारे, नशीले, गंदे तथा पौष्टिक। सारे हो गए यहाँ पे ऑप्शन एक, तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा नशीले। ऑप्शन दो, नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर कमजोर पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोध शांति भंग करने वाला डैश होता है। ऑप्शन है उपकार, मनोविकार, प्रत्युपकार तथा परोपकार। तो इसमें जो हो जाएगा मनोविकार, ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। क्रोध शांति भंग करने वाला को मनोविकार, करने वाला मनोविकार है। अगला प्रश्न है, सत्ताधारी दल की छवि को डैश डैश ने सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। ऑप्शन है चापलूसी, अज्ञानता, कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रष्टाचार, सत्ताधारी दल की छवि को भ्रष्टाचार ने सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। ऑप्शन चार इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आँख एक नहीं कजरौटा दस दस का मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है व्यर्थ आडंबर, डिंग हाँकना, झूठ बोलना तथा प्रलाप करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, व्यर्थ आडंबना, आडंबर। आँख एक नहीं कजरौटा दस दस का मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन एक इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक एक आँख से रोए और एक आँख से हंसे। ऑप्शन है विलाप करना, रोने का दिखावा करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना तथा धोखेबाजी करना। तो इसका हो जाएगा रोने का दिखावा करना। ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ऑप्शन है जब कार्य करना ही हो तो विपत्तियों से न घबराना, कुसंगति में पड़ने पर हानि होती है। यहाँ पे हानि हो जाएगा, कुसंगतियों में पड़ने पर हानि होती है, विपत्तियों से न घबराना चाहिए। ऑप्शन चार है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। तो इसका हो जाएगा जब कार्य करना ही हो तो विपत्तियों से न घबराना, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकला बात वापस न नहीं आता। ऑप्शन है जो मुंह में आए बोल देना चाहिए। ऑप्शन दो है, सोच विचार कर बात करना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए तथा। ऑप्शन चार है, सदैव सच बोलना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर, सोच विचार कर बात करनी चाहिए। ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द चुने। ऑप्शन है असी, अष्ट, असीति तथा असित। तो इसका इसमें तत्सम शब्द तो इसमें स, अप, तत्सम शब्द है असीति। ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर है, असीति। अगला प्रश्न है, इसमें भी तत्सम शब्द चुनना है। ऑप्शन है अग्नि, आंवला, आयुष तथा आधा। तो इसमें जो है अग्नि, इसमें तत्सम शब्द है, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है।